का दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 22 है। तो आइए 22वें वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। पीछे 21 वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट भी बन गया, जाकर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है ना कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में उत्सर्जक का क्या कार्य है, मतलब कि अर्थ रजिस्टेंस टेस्टर में करेंट रिवर्सर का कार्य क्या है। देखिए यही है अर्थ रजिस्टेंस टेस्टर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का यह इंस्ट्रक्शन है। और इसमें क्या क्या होता है कि एक डीसी जनरेटर होता है जो अब तो डिजिटल आ रहा है, अब ऑपरेट नहीं करना है, जबकि पहले जो था ना यही था। इसमें हाथे से मैनुअली आपको हाथे से 160 आरपीएम पर रोटेट करना होता है। ये पूछता भी है कि जो मेगर होता है अथवा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है उसमें जो डीसी पहले कौन सा जनरेटर लगता है, तो डीसी जनरेटर होता है, मतलब डीसी सप्लाई उत्पन्न करेगा। मैनुअली मतलब हाथे से रोटेट करना होता है, तो कितना स्पीड लाना होगा इसको कार्य कराने के लिए, तो 160 आरपीएम तक स्पीड लाना होगा। और डीसी जनरेटर है तो डीसी सप्लाई देगा। तो जस्ट इसके नीचे के क्या है, यह करंट रिवर्सर लगा है, लिखा भी है करंट रिवर्सर। करंट रिवर्सर से सप्लाई देखिए यहाँ पर जो अर्थ इलेक्ट्रोड है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ इलेक्ट्रोड, यह अर्थ है और अर्थ पे 3 इलेक्ट्रोड होता है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है इसको एसी सप्लाई चाहिए, वही से करंट रिवर्सर लगा रहता है जो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके दे देती है। और इन तीनों इलेक्ट्रोडों को एसी सप्लाई इसलिए चाहिए क्योंकि जो ईएमएफ होता है उसको एवॉइड कर सके, जो इसका ईएमएफ होगा उसको एवॉइड दूर कर सके। अच्छा, जो ये मेन हम लोग का है, इसको हम लोग मेन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो मेन इलेक्ट्रोड है इससे यह दूरी कितना होती है, तो 12.5 मीटर होती है। और इसी से वह दूरी कितना होता है, तो इसका डबल, मतलब पहला 12.5 और इन दोनों के बीच में भी 12.5 होता है। और टोटल तब कितना हो गया, तब टोटल 25 मीटर हो गया, मीटर में होता है। इसका परीक्षण करने के लिए खेतों में जाया जाता है, पूरा दम जगह चाहिए अर्थ का प्रतिरोध निकालने के लिए। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर क्या करता है, अर्थ का प्रतिरोध मेजर करता है, और अर्थ का प्रतिरोध लगभग में 1 ओम के आसपास आना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए। यह ओम में मेजर करता है, 1 ओम से कम होना चाहिए अर्थ का रेजिस्टेंस, तभी अर्थिंग आपकी अच्छी हो पाएगी। और जो 3 इलेक्ट्रोड होता है, पहला मेन इलेक्ट्रोड से 12.5 और दूसरा 25 मीटर की दूरी पर होता है, इसको एसी सप्लाई चाहिए। और उसके बाद जो ये पोटेंशियल कॉइल लगा है और एक ये करंट कॉइल लगा है, तो इन दोनों कॉइलों को, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, देखिए ना यहाँ पर यह है एक पोटेंशियल कॉइल और यह है, इसको करंट कॉइल कहते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश पर लगे होते हैं। इनको डीसी सप्लाई चाहिए इसलिए रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, इनको डीसी सप्लाई देता है। तो करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल को डीसी सप्लाई जो रेक्टिफायर देती है, और ये क्या करता है, करंट रिवर्सर तो एसी सप्लाई देता है इलेक्ट्रोड को। यही पूछा है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में करंट रिवर्सर क्या करता है, तो जो डीसी सप्लाई उसको एसी में चेंज करता है। तो देख लेंगे, चेंज डीसी सप्लाई टू एसी, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, डीसी को एसी में चेंज करता है, तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गूथे हुए कंडक्टर मतलब फ्लेक्सिबल कंडक्टर, जो लचीला कंडक्टर, उसका क्या फायदा है। तो फायदा यही ना कि आप पोर्टेबल होता है, आप जहां चाहे जिधर चाहे उस दिशा में इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। तो गूथे हुए कंडक्टर वही हुआ, तो क्या फायदा है, तो मोर फ्लेक्सिबल होता है। मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से आप अपने दिशा में उसको मोड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी प्रति, वही आ गया ना फिर, कि अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस हाउ टू, मतलब अर्थ का रेजिस्टेंस आप कैसे कम कर सकते हैं। तो दो दो आप वो कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए, दोहरी अर्थिंग कर दीजिए। क्या फायदा होगा कि दो दो अर्थिंग करेंगे तो पैरेलल में ना हो जाएगा जी दोनों, दोनों जब अर्थिंग पैरेलल में तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। अर्थ रेजिस्टेंस में अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होगा कम से कम, इसीलिए उसमें पानी डाला जाता है, चारकोल डाला जाता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो दोहरी लेयर कर देंगे। देखिए अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना था, ये गलत है, गहराई कम करेंगे तो अर्थिंग कम होगी, जबकि अर्थिंग अच्छा करना है तो दोहरी अर्थिंग प्रदान करना ये सही है। दोहरी अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए, आ गया ना अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, तो वही पृथ्वी का प्रतिरोध मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति क्यों की जाती है। अभी हम अभी बताए थे पहले क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एसी सप्लाई चाहिए, तो एसी सप्लाई क्यों चाहिए, तो हम बताए थे ना ईएमएफ को एवॉइड करने के लिए। देखिए ईएमएफ एवॉइड, एवॉइड मतलब कौन सी, दूर करने के लिए, कम करने के लिए, तो विद्युत अपघट्य मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, एवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ, मतलब ईएमएफ को कम करने के लिए एसी सप्लाई इलेक्ट्रोड को दी जाती थी। आगे मेगर उपयोग में, देखिए जो मेगर होता है,
यह ठीक अर्थ रेजिस्टेंस की अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो था ना, ठीक वैसे होता है। अंतर बस यह है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर ओम में मेजर करता है, बहुत कम मान होता है अर्थ का रेजिस्टेंस, जबकि मेगर जो होता है ना इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस मापता है। इसका रीडिंग मेगा ओम में होता है मेगर का। इसमें भी एक डीसी जनरेटर होता है जो हाथे से रोटेट की जाती है 160 आरपीएम तक, लेकिन यह रेजिस्टेंस जो देता है मेगा ओम में देता है। तो मेगर उपयोग नहीं है, फिर भी इसका सूचक शून्य पर स्थित नहीं है। क्यों? जो मेगर होता है मेगर, तो मेगर का जो जो रीडिंग देने वाला होता है ना जी, तो अनंत पर हमेशा रहता है। जब उपयोग में आएगी चाहे जब शॉर्ट सर्किट होगी तब शून्य पर आएगी। तो अनंत पर हमेशा क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो कंट्रोलिंग टार्क होती है वो एक्टिव में नहीं रहती है। तो कंट्रोलिंग टार्क इज नॉट हैविंग, कंट्रोलिंग टार्क एक्टिव में नहीं रहती है, इसलिए शून्य पर नहीं रहता है। जो ईएमआई में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में शून्य पर जो डिवाइसेस होती है ना, तो कंट्रोल टार्किंग उसको शून्य पर रखी रहती है, और जैसे जैसे सप्लाई चाहे करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये अपना रीडिंग देता है। तो जितना करंट बढ़ता उतना देता है, तो कंट्रोलिंग टार्किंग उसको खींच कर रखी रहती है, जबकि मेगर में कंट्रोलिंग टार्किंग नहीं लगता है स्टार्टिंग टाइम में। तो वही दिया है इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टार्क, इसलिए अनंत पर रहता है। तो कंट्रोलिंग टार्क मेगर में नहीं लगता है, इसलिए अनंत पर रहता है। आगे, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होती है? वही अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में ओम मीटर की जो सुई थी वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो किसके अनुपाती? तो जो दोनों क्वाइल है ना, करंट कॉइल पोटेंशियल क्वाइल, उसी के रेशियो के अनुपाती। देखिए, रेशियो ऑफ करंट क्वाइल इन टू क्वाइल, रेशियो ऑफ करंट इन टू क्वाइल, दोनों क्वाइलों के करंट के रेशियो के अनुपाती उसकी रीडिंग होती है। मतलब वो मीटर की सुई पीछे पर देता है, तो हो जाएगा रेशियो ऑफ द करंट इन टू क्वाइल। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक माने अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो तीनों इलेक्ट्रोडवा था ना जी, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एक आता है, तो उसी फाल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस जो टेस्टर दिखाए थे, तीन ठो इलेक्ट्रोड जो था उनके पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करता है, तो फाल ऑफ अप्रेस, फाल ऑफ पोटेंशियल मेथड, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फाल ऑफ पोटेंशियल मेथड, पोटेंशियल मेथड के सिद्धांत पर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर काम करता है। आगे, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? यह केवल मनुष्यों को रक्षा करता है? तो नहीं, यह सभी परिपथों दोष से बचाता है, और यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। इट एसोसिएट विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे दोनों क्या है? अलग अलग है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर की झटका का प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? भैया, 5 मिली एम्पियर तक झटका लगेगी तो आपको एहसास नहीं होगा, और 10 से 15 मिली एम्पियर तक लगेगी झटका आपको, तो सहन तो कर सकते हैं, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको दम लग जाएगा कि झटका लग गई है, हमें झटका लग, एकदम आपको कंपन दे देगी तुरंत। अगर 10 से 15 मिली एम्पियर की है, तो आप 15 मिली एम्पियर से ऊपर अगर झटका लगता है आपको, 15 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर की बात है, एक एम्पियर तो बहुत ज्यादा होता है, 15 मिली एम्पियर से अगर ऊपर झटका लगता है आपको, तो आपको दर्दनाक मतलब शोक लगेगा, आप गिर जाएंगे, आप बाहर एकदम तुरंत आपको चले जाएंगे, मतलब झटका एक लगेगा आपको, तो पेनफुल शॉक, या बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि 20 मिली एम्पियर है, तो 20 मिली एम्पियर जब लगेगा तो 20 मिली एम्पियर में बहुत तेज झटका लगेगा आपको। एमसीबी के किस उपकरण एल, देखिए क्या दिया है, एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। हम तीन स्विच बताए थे, एक एल सीरीज एमसीबी बताए थे, उसके बाद एक जी सीरीज एमसीबी बताए थे हम, जी सीरीज एमसीबी, और उसके बाद एक डीसी सीरीज एमसीबी बताए थे। एल सीरीज हम बताए थे जहां रेजिस्टिव लोड रहेगा ना जी, जहां रेजिस्टिव लोड रहेगा वहां एल सीरीज, जहां इंडक्टिव लोड रहेगा वहां जी सीरीज, और जहां लोकोमोटिव के लिए आएगा वहां डीसी सीरीज मोटर हम लोग लगाते हैं, डीसी सीरीज एमसीबी। तो एल सीरीज पूछा है, तो रजिस्ट्री लोड लोकोमोटिव के लिए नहीं, लोकोमोटिव के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, लोकोमोटिव के लिए, तो लोकोमोटिव के लिए डीसी सीरीज एमसीबी, तो ये तो होगा ना एल सीरीज के लिए। अच्छा, हाइलोजन लैंप में इंडक्टिव होता है तो जी सीरीज होगा इसके लिए, एयर कंडीशनर में भी इंडक्टर होता है तो ये भी नहीं होगा, बच गया गीजर, गीजर रजिस्टेंस होता है तो रजिस्ट्रिव, इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर एल सीरीज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेड लघु बाइंडिंग, मतलब डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में, तो देखिए जो मेगर होगा ना, मेगर देखिए मेगा ओम में रीडिंग दिया है ना, तो इसका मतलब मेगर है, जो मेगर होगा, मेगर जीरो कब देगा, जब बाइंडिंग शॉर्ट होना तो जीरो देगी, क्योंकि धारा प्रवाहित होने लगेगी, कंट्रोलिंग टार्क बनेगा, जीरो पर ला देगी, जीरो पर लाता है कंट्रोलिंग टार्क।
जब ओपन सर्किट होता है तो कंट्रोलिंग टार्क नहीं बनता है, और कंट्रोलिंग टार्क नहीं बनता है तो अनंत पर रहता है। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो धारा ना फ्लो होने लगेगी मेगर से, जब धारा फ्लो होने लगेगी तो कंट्रोलिंग टार्क का जीरो पर ला देती है, तो शॉर्ट सर्किट में जीरो रीडिंग देता है और ओपन सर्किट में मेगा ओम रेजिस्टेंस देता है। तो यही लघु यानी शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में जीरो देगा, जीरो मेगा ओम। और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिम्पिंग से क्या फायदा है। जो क्रिम्पिंग होता है ना, एक एक डिवाइस है, प्लायर टाइप, प्लायर का ही टाइप है समझ लीजिए क्रिम्पिंग। लेकिन जो क्रिम्पिंग होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो लॉक सॉक्स होता है वायर को फंसाकर और उसको दाब देते हैं तो वायर बाहर नहीं निकलती है, माने कनेक्शन ढीला नहीं होता इससे। तो वही पूछा है कि क्रिम्पिंग का क्या फायदा है, अवॉइड लूज कनेक्शन, माने लूज कनेक्शन को दूर कर दिया जाता है, मतलब कनेक्शन अच्छी होती है क्रिम्पिंग की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।